तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो अगर मैच फिक्सिंग है उसको क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए. एहसान मानी जो हमारे पीसीबी के चीफ है उन्होंने इस पे बात की थी. तो भट्टी साहब उसके बारे में क्या अपडेट है? जो एहसान मानी ने कुछ टाइम पहले मैंने उनका देखा था यूट्यूब पे, उन्हें लिख बोला कि यू नो मैं आई एम इन टॉक्स विद द गवर्नमेंट के इस मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस का एक दिया जाए. तो उसकी अभी कोई अपडेट है या अभी तो खैर एवरीथिंग स्लो डाउन? देखिए फातिमा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इस वक्त कोरोना के क्राइसिस में फंसी हुई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो लॉयर भी पीसीबी के एक जमाने में थे, बाहर से पढ़कर आए बैरिस्टर हैं, वो एक वाइट पेपर तैयार करके दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को. वहां से वो जो एक प्रोसेस है वो जाएगा लॉ मिनिस्ट्री में, उसके बाद फिर वो फाइनल अप्रूवल के लिए जाएगा पार्लियामेंट में. देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, श्रीलंका में इतने प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हुए हैं कि सनत जयसूर्या जो उनके फॉर्मर कैप्टन और फिर उस वक्त पार्लियामेंट के मेंबर थे उन पर भी लाइफ बैन लग गया. सनत जयसूर्या भी मैच फिक्सिंग कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने पिछले दिनों लॉ बनाया, अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने भी ये लॉ बनाया था. तो अब ये कितना ये मामला स्पीड अप होता है ये तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर डिपेंड है. लेकिन मेरी कल ही बात हुई है तो कहा ये जा रहा है कि वो वाइट पेपर जो है वो काफी अब उसमें पीसीबी लेवल पर तो काम काफी तेज हो रहा है, लेकिन अब जब आगे जाएगी तो देखिए ब्यूरोक्रेसी का भी एक सिस्टम है. पहले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ये पेपर जाके फंसेगा, फिर लॉ मिनिस्ट्री में फंसेगा. लेकिन ये कि अगर मानी साहब कहीं प्राइम मिनिस्टर से बात कर ली है मामला स्पीड अप हो जाए. अब ये देखिए उमर अकमल का केस आ रहा है, इसमें मैं आपको एक दो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने की जरूरत है. आपको याद है उमर अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा था मुझे 2015 के वर्ल्ड कप में इंडियन बुकीज ने ऑफर की थी, उन्होंने वो इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया. फिर उन्होंने मंसूर अख्तर एक टेस्ट क्रिकेटर है हमारे जो फवाद आलम के ससुर भी है उन पर इल्जाम लगाया कि मंसूर अख्तर ने मुझे स्पॉट फिक्सिंग की ऑफर की थी लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर सके. अब ये जो जिस केस में उमर अकमल बैन सस्पेंड हुए, उमर अकमल को दो ऑफर्स हुई, दोनों बार उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया. और पीसीबी को जब पता चला कि जो ओपनिंग मैच है पीएसएल का उसमें उमर अकमल गड़बड़ करने वाले हैं तो चंद घंटे पहले पीसीबी ने उमर अकमल को सस्पेंड किया. अब जो मेरी सोर्सेज कह रही है कि उमर अकमल को दो ऑफर हुई थी, वो कराची में उन बुकीज के साथ घूम रहे थे, अब उनको 6-6 महीने की दो पाबंदियां अलग अलग लगेंगी, तकरीबन 1 साल की पाबंदी लगाएगी. लेकिन ये तो पीसीबी का एंटी करप्शन कोड है, लेकिन अगर इस हवाले से हमारे जो बड़े इदारे लाइक एफआईए पुलिस और जो दूसरी एजेंसीज हैं इनके अकाउंट्स तक उनको रसाई हो, उनकी जो टेलीफोन कॉल्स है वो अगर इंटरसेप्ट की जाए, वहां देखा जाए कि ये किन किन लोगों से रابطे कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मामला आगे बढ़ेगा. लेकिन इसमें कानून साजी जितनी जल्दी कर ले हमारे क्रिकेट जो बिल्कुल भट्टी साहब मजीद तहकीकात की जरूरत है. बट सिकंदर हम अगर एक्शन की बात करें तो आपको लगता है कि ये जो 6-6 महीने की पाबंदी की बात की जा रही है ये ठीक है या फिर मिसाल कायम करने की जरूरत है? हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो माजी में भी जैसे भट्टी साहब बता रहे थे 2015 में उनको कॉन्टैक्ट हुआ, उन्होंने पीसीबी को बताया नहीं, तो ऐसे वाकयात अगर दोबारा होते हैं रिपीट अफेंडर्स होते हैं तो फिर तो आपको एक क्लियर स्टांस लेना लाजमी है सर, आप उसके बगैर नहीं चल सकते आगे. दानिश मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल मैं अपने तरफ से मैं इस पर मतलब स्टैंड करूँगा ये बात पे कि पीसीबी इस मामले में सिंसेयर नहीं है. मैं इसको स्टैंड करता हूँ इस बात को, इसलिए सिंसेयर नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है. अभी मैं स्टेप्स लिख रहा था, दो स्टेप्स में ये काम होना चाहिए. नंबर वन पीसीबी ये कह दे कि जो करप्ट है हम उससे बात ही नहीं करेंगे. जैसे अभी कहा गया हम आप क्रिकेट के ग्राउंड के पास नहीं आए, आप जाएं जो काम करना है करें. टीवी पे बैठ के अगर कोई टीवी चैनल एक चोर को बिठाकर प्रोग्राम करना चाहता है वो उनकी मर्जी, आप जो करें क्रिकेट के पास हैं. नंबर वन. नंबर सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि उसको ऑफेंस जो है जो क्रिमिनल ऑफेंस के आप उसकी पॉलिसी बनाएं, पास वास कराते रहें. मगर अगर आप सिंसेयर हैं, देखें प्राइम मिनिस्टर बच्चे नहीं हैं, वो क्रिकेटर हैं. मैं हमेशा उनका नाम इसलिए लेता हूं कि वो हमारे कलीग हैं, हमारे कप्तान रह चुके हैं, वो एक क्रिकेटर हैं, हम निवाला हम प्याला हम रह चुके हैं, इसलिए हम उनकी बात करते हैं. कोई और प्राइम मिनिस्टर होता हम नहीं बात करते उनकी, हम इसलिए उनकी बात करते हैं. उनको सब पता है कि कौन सा लड़का, वो उन्हीं करप्ट लोगों से बैठ के मशवरे करते हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीआई का एक एमएनए है हमारे हलके से जो एक टीम चलाया करता था रमज़ान में,
उन्होंने अपनी टीम 2-3 साल चलाई, उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। मैंने उनसे पूछा, मेरे मोहल्ले में रहते हैं वो डिफेंस में, कि भाई आपने क्यों टीम बंद की? उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लूंगा क्रिकेटर्स के, मैं फला फला क्रिकेटर को लाया, उनको खिलाया पिलाया ठहराया, जब मेरी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई तो मुझे पता चला कि उन्होंने उस ज़माने में आज से 15 साल पहले 15-15 लाख रुपए लेके हमारा मैच हरा दिया, और मैं पागलों की तरह सेमीफाइनल से फाइनल में जाना चाह रहा था और वो मैच पैसे लेके वो हार गए। क्या मुझसे अगर कोई पूछता है इन्वेस्ट FIA वाला, मैं उनको नाम बता दूंगा कि ये MNA हैं, जाकर उनसे पूरी तफसील ले लें। वो इमरान खान की पार्टी के MNA हैं, उन्हें हर चीज़ पता है, आप उनसे पूछ लें। मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए, आप लोग समझ गए होंगे जो क्रिकेट जानते हैं उनको पता है कि वो कौन सा शख्स था जो टीम चलाता था, आज MNA है और उसने मुझसे ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड। मैं नाम नहीं ले रहा था इसलिए कि भाई मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई रिटन में कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने मुझे बताया, उन सबको पता है कि मैच फिक्स करते हैं। वही लड़का जिसने पैसे लिए, जिनका नाम उसने मेरे सामने लिया है, आज भी वो टीम के लिए लड़ रहा है कि मैं अंदर रहूं, लड़ रहा है, वो पूरी दुनिया उसके लिए लड़ रही है कि जी ये वो क्या प्लेयर है, उसको लेना चाहिए। उन्होंने उसका नाम मुझे दिया। ठीक है फैजान, हम हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, आपको लगता है PCB फिक्सर्स की जब बात होती है तो सही हैंडलिंग करता है? क्योंकि जैसे हफीज़ की भी हम बात कर रहे थे, हफीज़ ने काफ़ी क्लियर स्टांस मोहम्मद आमिर के टाइम पर भी लिया था, अब शर्जील खान के टाइम पर भी लिया है, फिर ये खबरें आती रहीं कि हफीज़ को खामोशी इख्तियार करने का कहा गया है, इतना ब्लेटेंटली अपने तासरात का इजहार करने से रोका गया है, तो क्या ये स्टांस भी ठीक है फैजान? देखिए प्लेयर्स पर एक गाइडलाइंस तो होती है, रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा होती है कि अगर हम भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहीं बाउंड है तो हमें उसकी लिमिटेशंस का ख्याल रखना जरूरी है। बट अगेन जिस तरह सेक्यू भाई ने बात की, एक लाइन ड्रॉ कर ले, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, चाहे वो प्लेयर हो एक्स वाई जेड हो, चाहे जितना बड़ा भी स्टार हो, चाहे उसने हजारों विकेटें ली हो, हजारों रन बनाए हो पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर करप्ट है तो भाई करप्ट है, वंस अ करप्ट ऑलवेज अ करप्ट, आप उसको बंद करें उस पर स्टेडियम के दरवाजे, आप उसको ना आने दें। और जिस तरह इन्होंने अभी रेफर किया भी एक रमज़ान का, रमज़ान क्रिकेट को भी आपको माजी में देखने की ज़रूरत थी, और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुशाहदे में आती रही है कि वहाँ गड़बड़ होती रही है और बार बार होती रही, और वहां से ही आदतें बिगड़ती है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा रकम कोर्ट की, यहाँ तो छोटी छोटी रकमों के लिए कैच ड्रॉप हो जाते हैं या कुछ मिसप्लीड कर दी जाती है, तो ये चीजें तरह हकायक है हमारे क्रिकेट के, और वही बिल्कुल ग्रास रूट से जो प्लेयर करप्ट होता है वो ऊपर जाकर भी करप्ट बनता रहता है। यहाँ एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि जो पिछले दिनों में ICC ने और प्रॉब्ली PCB भी उसका शायद पार्ट रहा था, माजी में तो बिल्कुल रहा था, कुछ अपना ऐसा सिंडिकेट बनाया था कि वो प्लेयर्स को टारगेट करते थे ताकि उनको पकड़ा जा सके, अपने ही खुद चेक करना चाहते थे कौन सा प्लेयर वल्नरेबल है, कौन सा प्लेयर खुद इंटरेस्ट शो करता है। ऐसे में भी कुछ चीज़ें सामने आती रही हैं कि इस तरह भी ICC ने भी पकड़ने की कोशिश की, और कुछ प्लेयर्स इस तरह भी सामने आए कि उनसे ICC के सिंडिकेट ने एक डिस्गाइज जस्ट बुक ही रब्ता किया और फिर पता चला कि वो पकड़े गए बाद में। तो ये चीज़ें भी वक्तन फवक्तन अपने ही प्लेयर्स को टेस्ट करने ज़रूरी है कि पता चले कि कहाँ कौन सा खिलाड़ी करप्ट हो रहा है। और साथ साथ जिस तरह आकिब जावेद ने भी अहम बात की थी, उन लोगों पर भी नज़र रखनी है कि जो इन प्लेयर्स को उकसाते, कम से कम PCB अगर आउटसाइडर्स पे नहीं रख सकता, कम से कम क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स पे तो रख सकता है, वो लोग जो टीमें चलाते हैं, वो लोग जो प्लेयर्स के सपोर्टर मतलब प्लेयर्स के मैनेजर बने हुए, या प्लेयर्स के जो हम क्या कहते हैं सिकु भाई बड़ा पंटर, जो पंटर जो पंटर होते हैं प्लेयर्स के, वो उन पे भी जरा नजर रखी जाए कि जो प्लेयर्स को के खाने पीने के उनकी हर चीज का ध्यान रख रहे होते हैं, उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई तो इंटरेस्ट होगा जो प्लेयर्स पर लाखों खर्च कर रहे हैं। सिक्कू ने तो क्वेश्चन कर दी PCB की सिंसेरिटी, फैजान कह रहे हैं पास्ट में गड़बड़ हो रही है और उमर अकमल की अपडेट जी, ये तो बहुत कुछ मुझे लग रहा है PCB के प्लेट में, इनके पास टाइम भी है टू सॉर्ट दिस आउट, या ये सिर्फ हमें ही लग रहा है टू मच प्रॉब्लम्स PCB? इसमें भी या आपको लगता है कि ये सिर्फ बातों की हद तक है? बहुत संजीदा बात है दानिश के, बातें तो हैं और सिर्फ बातें ही हो रही हैं, अभी तक टेबल के ऊपर कोई सॉलिड जो है आपकी कोशिश तो हमें दिखाई दे नहीं रही है। और सबसे अहम और सबसे बड़ा पहलू यह है इस तमाम गुफ्तगू में कि बात दरअसल यह है कि एक चीज़ आपके सामने मौजूद है आमिर की शक्ल में, कि अब तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2016 जनवरी में वो कमबैक करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, ये 2020 है, अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ रुपये वो कमा चुके हैं अभी तक, तो नुकसान में नहीं रहे वो, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो 4-day क्रिकेट को 5-day क्रिकेट को जो है वो खैर बात भी कह दिया है,
शर्जील खान की मिसाल आपके सामने मौजूद है, शर्जील गए और अब उनके लिए फ्रेंचाइज ओनर जो है वो अपने लबों को जुम्बिश दे रहे हैं कि जी इनको खेलना चाहिए, भाई आप कैसे ये बात कर सकते हैं? फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अथॉरिटी कैसे चैलेंज नहीं होगी दानिश के? अफसोस की बात है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आप उनको अगर गुफ्तगू करना चाहें तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। आपका सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अभी आपने दो चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं, मैं तो उन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहा हूँ। आपने कहीं इन जो मैच फिक्सिंग के हवाले से कवानीन बनाने जा रहे हैं, आपने ये लाइन दी है कि भाई ये लाइफ बैन होगा, आइंदा के लिए खेल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। आप जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो फिर बंदा सोचते हुए भी उसके अंदर कपकपी आएगी। जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हैं ना, आपके सर के ऊपर सबसे बड़ी तलवार ये लटक रही होती है कि यार मैं पासिंग मार्क्स लेकर पास हो जाऊं। जो ग्रेड बनाना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं, तो यहाँ पर तो हमें ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बड़ी बातें कर रहे थे, हफीज का केस सामने आया, क्या हुआ? एक लेटर तक उन्होंने उनको सर्व नहीं किया। दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड के सरबरा जो है वो हफीज को थपकी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने अंदर ही कॉल ऑफ फेल का तजाद है। फिर जो सबसे अहम सबसे बड़ा सवाल है जो फैजान लखानी साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जी रमज़ान क्रिकेट में ऑर्गेनाइजर को चेक करना चाहिए, रमज़ान क्रिकेट में ये करना चाहिए, रमज़ान क्रिकेट में वो करना चाहिए। भाई टी वी में मैच आता है 15 लाख रुपये देना है, अगर आपका टूर्नामेंट है तो 5 लाख रुपये आपने देना है। और भाई ये किसके लिए ले रहे हो आप ये टूर्नामेंट में पैसे? अगर उसके अलावा माजी में जाकिर खान साहब आए, उन्होंने मोइन खान अकेडमी में जाकर जो है वो चीजों को चेक किया कि जी किस तरह, ओ भाई टीवी पे टूर्नामेंट आ रहा है, डगआउट में लोग फोन पे बात कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान सुपर लीग में जो है ये एक वाकया कोड हुआ, टीवी पर दिखाया गया बंदा डगआउट में फोन पर बात कर रहा है, क्या हुआ भाई? जितनी बड़ी गर्दन होगी उतने छोटे हाथ पड़ जाएंगे, पतली गर्दन होगी उसको उसी तरह मोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। बात दरअसल ये 2000 की जो जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट है वो आपके पास राइटिंग ऑन द वॉल है। उसके अंदर जो लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं कोई लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं है, उनको पाकिस्तान क्रिकेट से आप दूर कर दें। कोई फ्रेंचाइज के साथ बैठा हुआ है, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो नेशनल एकेडमी में काम कर रहा है, भाई जितने भी माजी में जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, इवन जिन्होंने सजाएं काटी हैं, जिन्होंने जुर्माने दिए हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट है। तो आप किसको ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसको ये कहानियाँ सुनाने की कोशिश कर रहा है? सारी चीज़ें छोड़ दें, सोशल मीडिया पर इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोर गिरफ्त आपको नज़र आ सकती है। इस वक्त ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया डिपार्टमेंट है। इसकी नाक के नीचे सना मीर ने जो है ट्वीट कर दी, डिलीट नहीं की, आमिर ने ट्वीट कर दी, जुनैद खान ने मुंह पर टेप लगा लिया, मोहम्मद हफीज ने जो है अपने लबों को जुम्बिश दे दी, कुछ भी नहीं हुआ ना मुस्तकबिल में कुछ होगा। फैजान लखानी साहब अभी फरमा रहे थे कि जी ऑर्गेनाइजर को चेक करना चाहिए, भाई जरा क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते हैं उनका भी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, वो किसके कहने पर आ रहे हैं। और बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, ये जो हायरिंग वाला मामला है ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट मामला है या क्योंकि इस पर हम काफ़ी बात भी कर चुके हैं कि पहले बंदा डिसाइड किया जाता है फिर एड्स दिए जाते हैं, एक पूरा प्रोग्राम हमने इस पहलू पर किया था। फैजान ना बड़ी एक इवल सी स्माइल है आपके चेहरे पे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं बिल्कुल, देखिए याया ने बात तो बिल्कुल सही की कि अच्छा मैं तो ऑर्गेनाइजर तक महदूद रहता, लेकिन ऑफकोर्स सिर्फ प्लेयर्स तक आप क्यों महदूद रहते हैं, आपको हर तरफ चेक करना है। देखिए दीगर मुल्कों में ये मिसाल बहरहाल मिली है कि ग्राउंड स्टाफ भी करप्ट एक्टिविटी से मुलविस रहा है, बोर्ड ऑफिशियल्स भी करप्ट एक्टिविटी से मुलविस रहे हैं। तो आपको ये दायरा वसी करना होगा, प्लेयर्स तक ये आप महदूद नहीं रह सकते, ये सब पे इक्वल विजिलेंस आपकी होनी चाहिए और सब पे नजर होनी चाहिए। और किसी ये नहीं है कि सिर्फ प्लेयर्स अकेले ही शायद करप्ट हो जाते हो और खुद से हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट जरूर करवा रहा होता, डॉट्स कहीं ना कहीं से मिल रहे होते, किससे मिलता है उससे मिलता है, बट सारी चीजें देखनी होगी। और बिल्कुल याया ने सही बात की कि सिर्फ ऑर्गेनाइजर नहीं और जो लोग बड़े अहदों पर बैठे होते हैं या जो लोग क्रिकेट रन करने वाले उमूर में होते हैं उनको भी चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है भट्टी साहब, थोड़ा सा अब हम लोग क्रिकेट की भी सॉरी सरगर्मियों की थोड़ी बात कर लेते हैं, कुछ डिसीशंस होने वाले हैं, थोड़ा सा आप अपडेट बताएं कि आई नो कि थर्सडे कुछ और कहना चाह रहे हैं भट्टी साहब? अच्छा भट्टी साहब पहले, हां कह दें। देखिए पाकिस्तान की जो मैच फिक्सिंग की तारीख है ना ये बहुत भयानक है। एक पाकिस्तान के क्रिकेटर होते थे सलीम परवेज पेजी, सिक्कू भाई जानते हैं, इनके साथ खेलते रहे, वो नेशनल बैंक की तरफ से ओपनिंग करते थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक वनडे इंटरनेशनल भी खेले। सलीम परवेज का जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में नाम है और सलीम परवेज ने नोटों का ब्रीफ केस 1994 में कोलंबो में पाकिस्तान टीम के एक प्लेयर को जाके दिया, उसका नाम भी रिपोर्ट में मौजूद है।
सलीम परवेज कुछ साल पहले लाहौर की एक सड़क पर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, उनको ट्रक ने कुचल दिया। आज तक सलीम परवेज की मौत का मामला हल नहीं हुआ। एक और कराची के क्रिकेटर थे, वो भी बड़े मशहूर क्रिकेटर थे, टिक्कू भाई, उसको भी जानते हैं। सारे मैं जानता हूँ यार, सारे आपके टाइम के क्रिकेटर्स की बात हो रही है ना। हमारे शहर के क्रिकेटर है ना, नासिर वास्ती, बिल्कुल अच्छी तरह नासिर वास्ती उसका नाम था। बहुत बड़ा बैट्समैन था, पीएनएससी की टीम से खेलता था। एक बार सुपर हाईवे पे हैदराबाद से कराची आते हुए एक और ट्रक ने नासिर वास्ती की कार को कुचल दिया। नासिर वास्ती भी पुरस्कार अंदाज में मर गया, वो मामला भी हल नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की वो भयानक स्टोरियां हैं जो बताते हुए हमें भी डर लगता है कि हम भी ऐसा ना हो कि कराची की किसी सड़क पर मुर्दा पाए जाए। लेकिन ये माजिद भट्टी साहब बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दो वाकयात मैं भी यहाँ पर शेयर कर दूं। सलीम परवेज की आपने बात की, मरहूम अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने मेरे शो में ये इंकशाफ किया कि जब जस्टिस भंडारी कमीशन में वो एज ए जज जो है वो काम कर रहे थे, तो वहाँ पर सलीम परवेज़ आए थे। अब ये सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा कि सलीम परवेज़ ने ये कहा कि जज साहब मुझे ना आप खाने काबा लेकर चले जाइए, मैं वहाँ पर कलाम पाक पर हाथ रखकर ये बात करूँगा जो बात आपके सामने कर रहा हूँ कि मुश्ताक अहमद को मैंने कितने पैसे दिए थे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से बात की, नोटों का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी जी भट्टी साहब, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट आई जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम की, और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जस्टिस साहब ने ये कहा कि यार कुछ मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मैं उनको बचा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये सज़ाएं बहुत कम दी गई। उन्होंने भी मुश्ताक अहमद पर उंगली उठाई और उन्होंने कहा कि एक ज़िमनी रिपोर्ट आनी थी जो मुश्ताक अहमद के हवाले से आई थी, वो नहीं आई। और वो मुश्ताक अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ तो काम करते रहे हैं, लेकिन उसके अलावा वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में काम करके आए। तो कौन सी मैच फिक्सिंग, कौन सी खिलाड़ियों की पाबंदियाँ, कौन सी मॉनिटरिंग, अंदाज़ा कर लें कि क्या है। वो मुश्ताक अहमद वेस्ट इंडीज़ में भी काम करके आए, किधर आईसीसी सो रहा है। अच्छा, एक और शख्स का मैं नाम ज़रूर लूँगा, मरहूम इकबाल हैदर साहब, ये MNA थे पीपल्स पार्टी के, बहुत बड़े लॉयर थे और मेरे प्रोग्राम में एक दो दफ़ा आए थे उधर जब मैं पिछले इंडस में काम किया करता था। उन्होंने बाहर बैठ के मुझे पूरी तफसील बताई कि कौन कौन लड़का, उनकी भी रिपोर्ट लिखी हुई है। वो कहते मेरी रिपोर्ट पढ़ लो, तो अगर PCB को चाहिए तो उनकी रिपोर्ट भी पढ़ सकता है। मरहूम इकबाल हैदर बहुत बड़े वकील थे और MNA थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो आप लोगों के पास अगर PCB सिंसेयर हो, जो मैं वर्ड सिंसेरिटी की इस्तेमाल करता हूँ, जब आप सिंसेयर नहीं होते तो आप कहते हैं यार ये तो पुरानी चीज़ें। नहीं, पुरानी हो या नहीं हो, वो लोग मौजूद हैं, वो उस जगह पर बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको जिस PTI के MNA का बोला है, आप इन्वेस्टिगेट करें, वो आपकी पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें, उनको सब पता है किसने कितने पैसे लिए, वो क्रिकेटर आज भी टीम में है। फैजान, वैसे तो अगर कहा जाए तो हम माजी की बातें कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने का कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर वही लोग जिनके नाम पहले आ चुके हैं उनके वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको नज़र आते हैं और आला ओहदों पर नज़र आते हैं तो ज़रा मुश्किल वाली बात हो जाती है। हम आपसे इस बारे में बात करेंगे, एक ब्रेक लेके वापस आ जाएँ, ज़रा थोड़ा सा एक सस्पेंस भी क्रिएट हो जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं। फैजान के जवाब क्या होगा, हमारे साथ रहेगा जी सुपर स्पेशल।